अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन घी रोस्ट रेसिपी, झटपट बनने वाली कम सामग्री में। इसके लिए एक बर्तन रख चुकी हूँ, इसी में इस मटन को डालेंगे। धुला हुआ मटन है ये। अभी इसी में अदरक और लहसुन नमक डालकर हमें गला लेंगे। आप चाहे तो कुकर में गला लो, मैं इस छत्तल में रख रही हूँ गलने के लिए। उसके बाद अगला प्रोसेसर दिखाती हूँ। अभी इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम डालिए। और हल्दी पाउडर डाल के इसको अच्छे से गलने के लिए छोड़ देंगे। ये 1 किलो से थोड़ा कम है गोश्त, 1/2 किलो से थोड़ा ज्यादा है। अब इसको अच्छे से गला लेंगे, उसके बाद मैं बताती हूँ। मैं अब इसको अच्छे से मिक्स करके आप चाहे तो थोड़ा पानी डालो, वरना नहीं, मैं नहीं डाल रही, बाद में डालेंगे, देखेंगे। अब इसको ढक्कन लगाकर इसको अच्छे से गलने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन हटाकर देखेंगे पक रहा है, पानी भी इतना छूट गया है, गोश्त गला नहीं। अब इसको अच्छे से पका लेंगे, ढक्कन लगाकर पका लेंगे, इसके बाद देखेंगे। अब खोलकर देखेंगे, गोश्त का पानी कंप्लीट सूख गया है, गोश्त भी गल चुका है। अब देख सकते हो गोश्त गल गया है। अभी इसको गैस को कर देंगे बंद। दूसरी तरफ एक पैन को रख दी हूं मैं, थोड़ा गर्म होने के लिए वेट करेंगे। पैन गर्म हो चुका है, अभी इसमें घी को ऐड कर लेंगे। मैं 1 चम्मच भर के घी डाल रही हूँ। घी गर्म होने के बाद आप घी नहीं तो थोड़ा घी थोड़ा तेल डाल के भी बना सकते हो। मैं घी डाली, अभी इसमें जाएगा एक कटा हुआ प्याज। इसको अच्छे से भून लेंगे थोड़ा कलर होने तक, ज्यादा जलाना नहीं इसको, थोड़ा क्रंचीनेस रहना चाहिए इसमें, तब तक इसको भून लेंगे। हल्का कलर चेंज हो चुका है इतना बस, ज्यादा नहीं इसको भूनना। अब इसी में जाएगा ये कड़ी पत्ते, 8-10 कड़ी पत्ते और 3 हरी मिर्ची को ऐसे लंबे लंबे काट चुकी हूँ, इसको भी डाल देंगे इसमें। इसको अच्छे से भून लेंगे। आप कम या ज्यादा हरी मिर्ची डाल सकते हो, मैं 3 डाली हूँ, ये ज्यादा तीखा नहीं है। इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर और गरम मसाला थोड़ा थोड़ा, और कसूरी मेथी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़े 1 या 2 मिनट तक, इसको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा जीरा पाउडर। इसको अच्छे से धीमी आंच में अच्छे से भून लेंगे, हमको जलाना नहीं, कच्चापन चले जाने तक इसको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा नमक भी इसमें थोड़ा ऐड करेंगे, हमें गोश्त में भी डाल चुकी हूँ, थोड़ा डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अभी इसमें आपके पास मटन घी रोस्ट रहा तो वो भी डाल सकते हो। मेरे पास चिकन घी रोस्ट पाउडर है, उसको डाल देंगे, थोड़ा सा डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा एक टेबलस्पून थोड़ा पानी डालेंगे ताकि मसाला अच्छे से पकने के लिए, थोड़ा भूनने के लिए। अभी अच्छे से भून चुकी हूँ। अभी इसमें अदरक लहसुन हल्दी नमक डालकर गोश्त गला लूँ ना, इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पूरा गोश्त में कोटिंग होना मसाला, इसलिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। अभी 2-3 मिनट के लिए इसको थोड़ा पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें कटा हुआ धनिया, हरा धनिया डाल रही हूँ मैं। बहुत मज़े का बनता है ये, झटपट इजी रेसिपी है। ज़्यादा टमाटर को काटना, प्याज को ज़्यादा काटना, कुछ भी नहीं है। कम इंग्रेडिएंट्स में ये कम समय में बनकर जल्दी से बनता है, तैयार होता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा नींबू का रस ऐड कर देंगे। गैस को कर देंगे बंद, डिश आउट करके निकालती हूँ। अच्छे से मिक्स करके डिश आउट करके बताती हूँ। घी रोस्ट बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो बड़े मज़े का बना हुआ है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। कम इंग्रेडिएंट्स में जल्दी बनने वाली चटपटा मज़ेदार हमारा घी रोस्ट, मटन घी रोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको ज़रूर लाइक दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।